तो भाई लोग कैसे हो आप। मैं हूँ राहुल, आप देख रहे हैं हेल्प गुरु चैनल। और आज मैं फिर से एक फ्लिपकार्ट का पार्सल लेकर के आ चुका हूँ। और ये पार्सल क्या होने वाला है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास तो पहले से एक प्रोडक्ट है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इसे एक और मंगाया जाए, क्योंकि इसका एमपीए जो होता है वो काफी बेस्ट होता है। और मुझे इस पर एक थोड़ा सा फ्रॉड भी देखने को मिल गया है, लेकिन देखते हैं कि असली में वो फ्रॉड मेरे साथ हुआ है या नहीं हुआ है। वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी जोर से कर देना। चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो हम इसे अनबॉक्स करेंगे, लेकिन अनबॉक्स से पहले हमारा एक काम होता है जो होता है इसे पूरी अच्छी तरह से जज करना, यानी कि इसे हमें देख के हमें समझना होगा कि आखिरकार प्रोडक्ट हमारा कैसा मिला है, क्योंकि ये हमारा प्रूफ होता है अगर हम इसे रिटर्न करते हैं, उसके लिए हमें प्रूफ रखना होता है। तो सबसे पहले तो आप इसकी पैकेजिंग देख लो। इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी है, नॉर्मल सी पैकेजिंग है, कार्डबोर्ड पर ये आया हुआ है। साथ ही यहाँ पर मुझे यह देखने को मिला है, यहाँ पर अलग से टेप लगाए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, इस जगह पर भी है और इस जगह पर ही है। और आप बोलोगे कि भाई आपने आखिर इसे लिया क्यों? भाई वीडियो को स्किप मत करो, क्योंकि इस जगह पर हमारा जो वीडियो है वो कम हो गया था, रुक गया था, क्योंकि यहाँ पर जो माइक है वो बैटरी लो होने की वजह से ये माइक को साउंड कम कर चुका था, जिसकी वजह से मुझे ये वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और आगे की जो वीडियो है वही वॉइस ओवर पर ही आपको देखने को मिलने वाली है। तो भाइयों आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, क्योंकि जब तक आपका भाई है आपको वीडियो देखने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अभी मैं आपको इसे रिव्यू करके दिखाने वाला हूँ, उससे पहले बात करें इसकी प्राइस की, इसकी प्राइस कितनी होने वाली है। तो गाइस मैंने इसे परचेस किया लगभग 600-650 रुपए में, क्योंकि मैंने इसे लगभग 2-3 दिन पहले मैंने परचेस कर लिया था, लेकिन वीडियो को मैं अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि आपके सारे कमेंट जो आ रहे थे उन सभी कमेंट को भी मुझे कवर करने में काफी ज्यादा टाइम लग गया है। और अभी मैं आपको सबसे पहले तो इसे खोल के दिखाता हूँ। आखिर इसका पैकेजिंग तो आपको पता ही है कैसा मिला है हमें, और बाकी का जो वीडियो है उसे आप लोग लास्ट तक देखना, वो भी बिना स्किप किए हुए। आप चाहो तो इस वीडियो को कमेंट कर सकते हो जो आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए। और इसके अंदर पर भी काफी सारे कॉम्पोनेंट हमें देखने को मिल जाते हैं जो कि अच्छे अच्छे होते हैं, और उनसे भी काफी सारे प्रोजेक्ट बनते हैं। लेकिन कमेंट करोगे तभी मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपके कमेंट पर वीडियो बनाई जाती है। आप देखो गाइस इसे मैंने खोल तो लिया है, अब इसके अंदर का जो सामान है वो कुछ ऐसा है। अब मुझे लग तो नहीं रहा है ऐसे में कि ये काम भी करने वाला है, क्योंकि इसकी जो पैकेजिंग है वही इतनी ज्यादा खराब आई है जो मैं आपको क्लियर बता भी नहीं सकता हूँ। मेड इन चाइना है, क्योंकि लोगो आप देख सकते हो, इसकी जो अल्फाबेट से वो आप देख सकते हो। अगर आपको समझ में आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन पर बता देना, मुझे तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। देखो गाइस इसके अंदर की जो पन्नी लगी हुई है, जो हमारा SFPS है उसके ऊपर जो पन्नी लगी हुई है वो इतनी ज्यादा खराब है, फटी हुई है। अब इसी से मुझे पता चल गया कि ये तो काम नहीं करने वाला है, और अगर ये काम कर भी गया तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से ओरिजिनल काम करता है उस तरीके से ये काम करेगा। तो मैंने इसे निकाल लिया है, आप देख सकते हो इसके अंदर पर और कुछ भी नहीं है, ये पूरी तरह से एम्प्टी है, खाली बॉक्स है। इसे हम रखते हैं साइड पर, और इसकी स्थिति इतनी ज्यादा खराब है क्योंकि पन्नी को हटाते के साथ मुझे यहाँ पर देखने को पड़ा इसके ऊपर एक दाग। दाग यानी कि मैं क्या करना चाहता हूँ आपके भाषा में समझाता हूँ, इस पर काफी सारे पाउडर लगे हुए हैं, और जैसे लगता है कि ये करीबन 2-3 महीने तक ये ऐसे कबाड़ पर फेंका हुआ था, जिसे आप यहाँ पर देख भी पा रहे हो। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ वीडियो पर दिखाने की, क्योंकि कैमरा थोड़ा क्वालिटी का है तो इस पर थोड़ा क्लियर कर देता है, लेकिन ओरिजिनल जब मैं इसे देख रहा हूँ तो ओरिजिनल पर क्वालिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। लेकिन फ़ैन की बात करें, सॉकेट की बात करें तो काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल गया है। अब इसे हम टेस्ट भी करेंगे, टेस्टिंग के लिए हमें एक बार मुझे देखना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ। इस पर हमें केबल देखने को नहीं मिला है, जो HC कोड होता है, पावर केबल होता है, वो हमें देखने को नहीं मिला है। लेकिन टेंशन मत लो, मेरे पास अवेलेबल है पुराना SFPS का, तो मैं उससे आपको इसे टेस्ट करके दिखाई दूंगा। तो देखो मेरे पास इसी की दोनों SFPS है, एक तो ये अभी वाला और मेरे पास जो पुराना वाला है, इसे आप देख सकते हो। दोनों की कंपेरिजन पर काफ़ी सारे डिफरेंस देखने को मिल जाएंगे, जो भी आपको मैं बताने भी वाला हूँ, और जब मैं टेस्ट करके दिखाऊंगा तो उस पर मैं आपको क्लियरली से अभी बता देता हूँ। एक ऐसी ट्रिक मैं बताऊंगा जिसके थ्रू आप पता कर सकते हो आपकी SFPS जो है वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। सबसे पहले हम बात करें इस SFPS की पावर इनपुट कितनी आती है, तो ये हमारा 450 वॉट का है, जो कि हमारा 20+4 पिन का है, क्योंकि ये हमारा CPU पर लगा हुआ होता है, CPU पर ये SFPS काम आता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम इसे यूज करते हैं, और ये कितना इनपुट लेता है देख सकते हो, 220 वोल्ट 50 फ्रीक्वेंसी है 6 एम्पियर की, यानी 6 एम्पियर तक आप इसे इनपुट दे देना तो ये परफेक्ट काम करेगा। अब हम बात करते हैं इसकी इनपुट आउटपुट कितनी आती है, वो मैं आपको क्लियरली से बताता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है 3.3 वोल्ट, जो कि 25 एम्पियर है। 3.3 यानी LED के लिए यूज होता है, ज़्यादातर आपको पता ही होता है क्योंकि हम LED को ही यूज करते हैं। साथ ही यहाँ पर हमें देखो जो 5 वोल्ट का जो आउटपुट है
प्लस 5 वोल्ट, वो हमारा 38 एम्पियर का है। ये मुझे काफ़ी बेस्ट लगा क्योंकि 5 वोल्ट पर हम काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बनाते हैं। 12 वोल्ट हमारा 15 एम्पियर का है और -12 0.8 एम्पियर जो हमारा कोई भी काम का नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो USB पोर्ट का है वो है 2 एम्पियर। जैसे कि हम जब भी पेन ड्राइव को कनेक्ट करते थे CPU पर, तो वहाँ पर हमें आउटपुट पर 5 वोल्ट देखने को मिलता था, जबकि हम उससे फ़ोन को भी चार्ज कर सकते थे। और ये मेड इन चाइना ही है, क्योंकि आपको पता है जो भी सामान यहाँ पर SMPS आपको मिलते हैं इंडिया पर, वो तो ज़्यादातर चाइना से ही या चीन से ही आपको यहाँ ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। लेकिन आप में आपको जो ट्रिक है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, टेस्टिंग के टाइम पर भी बता दूंगा और अभी भी एक बता दूँ। देखो यहाँ पर सबसे पहले पकड़ाया क्या है कि क्या मैंने पकड़ा है, यहाँ पर रबर बैंड लगा हुआ है जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, उस वाले रबर बैंड का यहाँ पर यूज किया गया है। क्योंकि यहाँ पर देखो जिप टाइप तो लगा हुआ है, लेकिन क्या है ये काफी दिनों से कबाड़ में रुका हुआ होगा मेरे ख्याल से, तो यहाँ पर क्या हुआ है ये जब टूट गया होगा रबर बैंड, तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा रबर बैंड लगा दिया गया है और जैसे मैंने छुआ ये टूट भी चुका है। गाइस मुझे जस्ट अभी पता चला है कि जो माइक है, माइक की बैटरी लो हो गई और वॉइस जो है वो बंद हो चुका था, जैसा आपने यहाँ पर वीडियो में देखा है। बीच में मैंने वॉइस ओवर कर दिया जिससे आपको क्लियरली से पता चल जाएगा, लेकिन अभी जो टेस्टिंग मैन जो है वो हमारा बचा हुआ है। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करते रहना। देखो कंपेयरिंग की बात करें तो सबसे पहले दोनों को मैं सामने लेकर के आता हूँ और आपको मैं कंपेयर करके दिखाता हूँ। ये देखो ये दोनों हमारा SMPS है, इसका मैं यहाँ पर रबड़ जो है वो मैंने हटाने वाला हूँ, क्योंकि रबड़ अगर हटा देंगे तो दोनों पर हमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस है वो मैं आपको यहीं से दिखा सकता हूँ। देखो इसकी जो वायरिंग है वो आप देख सकते हो, इसकी वायरिंग कुछ इतनी मोटी है और इसकी वायरिंग अगर यहाँ से अगर मैं सामने कर दूँ, देखो काफ़ी सारा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर जूम करके दिखाता हूँ आपको, सामने से दिखाऊंगा, आप बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक देखो। देखो इसकी जो थिकनेस है वो कुछ वायर की ऐसी है और इसकी थिकनेस देखो, ये वायर इसकी कितनी ज्यादा है। अब इस पर भी एक डुप्लीकेट का साइन देखने को मिल गया, वो क्या है देखो यहाँ पर MJQ का यहाँ पर आपको साइन देखने को मिल गया है, बट इस पर हमें कोई भी साइन देखने को नहीं मिल रहा है। और यही है हमारा मेन इम्पोर्टेंट कि ये हमारा डुप्लीकेट है और ये वाला हमारा ओरिजिनल है। लेकिन मैं आपको दोनों को टेस्ट करके यूज करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसकी वायरिंग कैसे करना है, देखो यहाँ पर मैंने कर लिया है। जो ग्रीन वाला वायर होगा वो हमारा होता है मेन पावर सोर्स के लिए, यानी कि हमारा SMPS जो है उसे चालू करने के लिए हमें यहाँ पर ग्रीन और ब्लैक को शॉर्ट करना पड़ता है। आप इस पर छोटा सा वायर भी लगा सकते हो, जैसा मैंने यहाँ पर छोटा सा वायर कनेक्ट करके रखा हुआ है। और मैं आपको दोनों को टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ और वोल्टेज को भी चेक करके दिखाऊंगा, वोल्टेज किस तरीके से हमें बताता है। चलो गाइस सबसे पहले अगर चेक करें तो हमें सबसे पहले आपको पता भी चलना चाहिए कि ये काम किस तरीके से करता है। तो मैं चलो नया वाला चेक करता हूँ, ये वाला SMPS, वैसे ये नया तो लग नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा पुराना है। ये है हमारा AC प्लग जो इसके साथ पर नहीं आया है, ये मेरे जो पुराना SMPS है इसके साथ ये आया हुआ था। चलो मैं आपको इसे चेक करके दिखाता हूँ, चेक करने का मेथड मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर मैंने AC कोड को तो कनेक्ट कर दिया है, अब बारी आती है इसे टेस्टिंग करने की। तो वायर को मैं यहाँ से ले आता हूँ, ये देखो। और आप एक बार ध्यान रखना, वैसे तो इस पर AC करंट नहीं आता है, टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि ये DC सप्लाई होता है, लेकिन शुरू में आप चेक करें तो आप एक इस तरीके की चिमटे का यूज करना या वायर का यूज करना जो आपको कवर लगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी तेज होती है। अब जो ग्रीन है और ब्लैक है उसे मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, शॉर्ट करूँगा तो आपको दिखाना तो ज़रूरी है, वरना आप मेरी वीडियो को देख के बोलोगे भाई ये फेक है। देखो ये देखो गाइस इसे मैं यहाँ पर शॉर्ट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो फैन है वह बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। ये देखो मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ, क्लियर से दिखा रहा हूँ, ये देखो मैंने शॉर्टेज कर दिया है, लेकिन यहाँ पर जो फैन है वो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, यानी कि ये ख़राब है। अगर मैं साइड में रख दूँ और कैमरे को मैं जूम करके आपको दिखाऊँ फैन को, तो देख सकते हो जो फैन है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। अब ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये ख़राब भी निकल सकता है और ये हमारा निकल चुका है ख़राब। अब मैं इसे यहाँ पर सबसे पहले निकाल देता हूँ कि ज़्यादा देर नहीं रखेंगे, क्योंकि ये SMPS ख़राब हो सकता है, हमारे सर्किट को भी ख़राब कर दे। अब चलो पोर्ट को निकालते हैं, जो हमने चिमटा लगाया इसे भी यहाँ से निकाल देते हैं, कोई इलेक्ट्रिक शॉर्ट नहीं है, इसे हम साइड पर रखते हैं। ये तो हमारा रिटर्न होने वाला है, ये तो परफेक्ट है। अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ हमारा जो SMPS है जो परफेक्ट काम करता है, इसे मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखो इसे मैं रेगुलर यूज कर रहा हूँ, तो आप बोलोगे कि भाई आप जब रेगुलर इसे यूज कर रहे हो तो थोड़ा सफाई भी कर लिया करो, तो ये साफ मैंने रखा है थोड़ा सा करके,
अब देखो यहाँ जो चिप वायर लगा हुआ है, मैं वायर को यहाँ से निकाल देता हूँ, क्योंकि काफी लोग ये बोलेंगे भाई आपने उसे चिमटा से दिखाया तो इसे भी हमें दिखाओ चिमटी से करके। तो यहाँ पर मैं इसे कनेक्ट कर दे रहा हूँ, आपके सामने है ये मैंने वायर लगाया और ये मैं एसी पर कनेक्ट कर दे रहा हूँ। देखो एक एक मैं आपको ध्यान से दिखाना चाहता हूँ, जब मैं इसे कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर जो लाइट्स है वो थोड़ा लोड लेता है, जैसा कि आप देख सकते हो ब्लिंकिंग थोड़ा करेगा। ये देखो अभी यहाँ पर थोड़ा सा ब्लिंक किया, अब मैं यहाँ पर आपको इसे चेक करके दिखा देता हूँ। फिर से चिमटा ले लेंगे और इसे हम यहाँ पर शॉर्टेज करेंगे। शॉर्ट करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि यहाँ पर कभी कभार जो शॉर्ट है वो मुझे ही लग जाता है। आप देखना यहाँ पर SMPS पर देखो और यहाँ पर मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, ये देख सकते हो। अभी मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया है, जो फैन है वो यहाँ पर चलना स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हो। यहाँ पर मैंने बंद किया, ये बंद हो गया है। अब यहाँ पर फिर से शॉर्टेज करते हैं। आप पिन को बिल्कुल भी गलत मत लगाना, देख के लगाना, ग्रीन और ब्लैक को ही शॉर्ट करना है, ये देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो SMPS है वो मैंने आपको चेक करके दिखा दिया है। अब आप बोलोगे भाई हम इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो आप 100% आप इसे परचेस करो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ, कोई गारंटी नहीं आपके साथ हो सके। तो आप इसे जरूर से जरूर परचेस करना, इसकी जो एम्पियर आती है वो काफ़ी अच्छी होती है और इससे आप बैटरीज को भी आसानी से चार्ज कर सकते हो। और अगर आप इसे ही लेना चाहते हो तो आप इस वाले रिव्यू वीडियो को जरूर से देख लेना, इसका लिंक अभी एंड स्क्रीन पर शो होने वाला है, तो आप उसे भी देख सकते हो। और अगर आपको ये बेस्ट लगेगा, इसके जो एम्पियर्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, ये सभी आपको उस वीडियो पर भी बताया गया है। तो चलो गाइस मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। आपको अगर कुछ भी कमेंट अगर आपका है जिस पर आप वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर देना। अभी के लिए बस इतना ही।